वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मछली के आलू की कढ़ी। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से आपका। यहाँ पे मैंने मछली की अंडा ले लिया है। कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी कुनकुना गर्म हो गया है। अब मैं जो मछली के अंडे हैं इसको मैं पानी में डाल दूँगी। फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे और इसको 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और पानी में से बाहर निकालेंगे। इसे हमें ठंडा करना है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/3 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 नींबू की रस निचोड़ के डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, 2 हरी मिर्च बारीक कट के डाल देंगे। एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे जितनी भी गुठली आई है सभी ऐसे हाथों से ऐसे मसल के स्मूथ बनाएंगे हम। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नया नया रेसिपी पाने के लिए, और मेरे वीडियो को फुली वॉच कीजिए, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी, थोड़ा थोड़ा बेसन डालूँगी मैं इसमें। एकदम से ज़्यादा नहीं डालूंगी। ऐसी थिकनेस चाहिए मुझे। इसे आप चाहे तो आधा घंटा रेस्ट में भी रख सकते हो। पहले हम ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। यहाँ पे एक पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था, तो हम डाल देंगे एक एक करके। इसमें जितना आएगा हम उतना डालेंगे। दो मिनट हो गया है, हम एक साइड पकाते हैं। अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे। दूसरे साइड भी हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मछलियों के अंडा हमने फ्राई कर लिया है। अब हम कढ़ाई से निकालेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में हमने सरसों के तेल डाल दिया। अब हम इसमें तेज पत्ता तोड़ के डाल देंगे। तीन हरी इलायची डाल देंगे, 1/2 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक गई है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे हम। अदरक लहसुन की पेस्ट की जो कच्चापन हमें चला गया है, अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर,
हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर हमने तीन मीडियम साइज की टमाटर लिया है, पेस्ट करके इसको हम डाल देंगे। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। 4 से 5 मिनट हम इस मसाला को भून लिया है, अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अब ग्रेवी में एक बॉईल आएगा, उसके बाद हम जो अंडा फ्राई करके रखा है उसको डाल देंगे। ये बॉईल आ गया है, अब हम फ्राई किए हुए अंडे को डाल देंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में ढक्कन लगा के कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन खोलेंगे और हम इसको ऐसे चला देंगे। मछली के अंडे की सब्जी बनके रेडी हो गया है। अब हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे।